हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 4 सेकेंडरी रिफॉर्मर का पूरा सॉल्व। तो उस तरीके से पहले सेकेंडरी रिफॉर्मर का मैंने जो है जो क्वेश्चन अपलोड किए थे तो उसका इस वीडियो में हम पूरा आंसर देंगे। और इससे पहले आप ज़रूर जो है मैंने सेकेंडरी रिफॉर्मर को जो डिटेल जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम बताया है उसको आप ज़रूर ध्यान से एक बार देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम लगभग 70% जो क्वेश्चन है वो उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। 70% क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ही सॉल्व कर दिया है किसमें, जो मैंने सेकेंडरी रिफॉर्मर का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ाया है उसमें। तो बाकी जो है उसे इस वीडियो में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई वी नीड सेकेंडरी रिफॉर्मर, तो इसको वे मैंने पिछले वीडियो में जो सेकेंडरी रिफॉर्मर का जो डिटेल मैंने बताया है वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, उसी में हमने बता दिया है। दूसरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम ये ऑलरेडी सॉल्व है, उसी से ही उसमें देख सकते हो। उसके अलावा वाई वी गिव प्रोसेस एयर इन सेकेंडरी रिफॉर्मर, सेकेंडरी रिफॉर्मर में हम प्रोसेस एयर क्यों देते हैं उसका रीजन समझिए। उसको जो है अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो हम कर लेते हैं, उससे जो है हमारी जो है एनजी गैस है उससे जो है हम जो है हाइड्रोजन ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सेकेंडरी रिफॉर्मर में प्रोसेस एयर का यूज करते हैं। क्योंकि एयर में जो होता है क्या होता है, एयर में हमारा जो है 78% हमारा जो है नाइट्रोजन होता है और जो है 21% हमारा क्या हो जाता है ऑक्सीजन होता है और 1% जो है अदर मिसलेनियस गैस जिसमें आर्गन CO2 वगैरह जो भी है 1% में आती है। तो जब हम इसमें सेकेंडरी रिफॉर्मर में भेजेंगे तो ऑक्सीजन तो टोटल बर्न हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है उसको जलाने में जो है एनजी को जलाने में बर्निंग में वो तो पूरा पूरा ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो जाएगी। 1% मिसलेनियस गैस का कोई मतलब है नहीं, तो बाकी जो है 78% नाइट्रोजन मिला वही आगे जाके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनाने के लिए यूज होगा। इसी पर्पस से हम जो है प्रोसेस एयर जो है सेकेंडरी फॉर्मर में मिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ये भी मालूम है। टाइप ऑफ जो है रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है ये भी उसी में मैं बता दिया हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा। कैटालिस्ट यूज क्या है वो भी आपको मिल जाएगा, कैटालिस्ट पर्पज भी आपको उसी में पता चल जाएगा। फेवरेबल कंडीशन यानी सेकेंडरी रिफॉर्मर की जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, तो इसके लिए आप जो है मैंने अमोनिया प्लांट में जो है ला सकते का नियम बताया था, तो उसमें जो है मैंने सारी जो है क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होती है किसी रिएक्शन को रिएक्शन में, तो उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। तो आप उससे लिंक करके जो है ऑटोमेटिक वो समझ सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या है। अगर एक्सोथर्मिक है तो यानी कि उसका फेवरेबल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉरी इंडोथर्मिक है तो जो है उसकी फेवरेबल कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस में पूछा था प्रेशर बढ़ेगा तो उस पर व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा प्रेशर ड्रॉप घटेगा या पुअर कन्वर्जन है, तो इसकी व्हाट इफ एनालिसिस मैंने पूछा था कि क्या है। तो इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो है आप पढ़े लिखे हो आप खुद ही निकाल सकते हो। जैसे मैं एक चीज को लेकर चल रहा हूँ कि जैसे टेम्परेचर, जैसे सेकेंडरी रिफॉर्मर का जो आउटलेट टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी रिफॉर्मर का जो आउटलेट टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी हम अब हम क्या करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे पहले व्हाट इफ क्या हो रहा है, क्या होगा यदि सेकेंडरी रिफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं पॉसिबल कॉज, यानी कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो क्या क्या पॉसिबल कॉज है, पहला तो ये है कि भाई इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम है,
मान लो कि जिस चीज से आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वो जो है इक्विपमेंट ही गलत हो, यानी कि जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है हो सकता है वही गलत है, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है जो आपको रॉन्ग बता रहा है, यानी कि रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम निकालोगे कि भाई एक बार चेक कर लो कि क्या ये सही है, क्योंकि ये रॉन्ग इंडिकेशन भी दे सकता है। हो सकता है कि सेकेंडरी फार्मा का आउटलेट टेम्परेचर सही हो, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा हुआ बता रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की भी प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि वो एग्जैक्ट बता रहा है। तो सबसे पहले पॉसिबल कारण क्या है कि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरा पॉसिबल कारण क्या हो सकता है कि इनलेट टेम्परेचर हाई, यानी कि इनलेट में ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो आगे जाके बढ़ा दे रहा है। जैसे प्राइमरी रिफॉर्मर है, प्राइमरी रिफॉर्मर का जो आउटलेट टेम्परेचर होना चाहिए उतना नहीं है, उससे ज़्यादा आ रहा है सेकेंडरी रिफॉर्मर में। सेकेंडरी रिफॉर्मर में जो गैस इन हो रही हो सकता है उसका पहले से ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ के आ रहा हो, इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और वहाँ भी एक जो थर्मिक रिएक्शन होगी तो वो और बढ़ जाएगा। तीसरा पॉसिबल कॉज क्या है कि कन्वर्जन हाई, कन्वर्जन बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अगर कन्वर्जन जितना ज़्यादा होगा तो एक जो थर्मिक रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा हो सकता है। तो हो सकता है किसी वजह से जो है कन्वर्जन हाई हो रहा है, हो सकता है आपने जो कैटलिस्ट लगाया है बहुत अच्छा एकदम नया नया लगाया है, तो हो सकता है कन्वर्जन हाई हो रहा है, इसकी वजह से जो है कन्वर्जन हाई तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इवोल्यूट होगा तो हमारा आउटलेट टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। या इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, हो सकता है कि प्रोसेस एयर का जो फ्लो है वो आपने हाई रखा है। अगर प्रोसेस एयर का फ्लो अगर आप हाई रखोगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी, या प्रोसेस एयर का फ्लो और जो है इसमें जो है एनजी गैस का फ्लो अगर दोनों अगर हाई रखोगे तो हो सकता है कि जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का अमाउंट जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ही बर्निंग ज़्यादा होगी। तो जितना अमाउंट बर्निंग होगी, जितना अधिक कंबसन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सेकेंडरी का आउटलेट टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मोल रेशियो हो सकता है कि हाई है, जो मोल रेशियो यानी कि जो फ्लो रेट है उससे जितना भेजना है उतना ना भेज के आप ज़्यादा भेज रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो है ज़्यादा कन्वर्जन होगा एक तरह से, और जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट टेम्परेचर अधिक मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इफ में हम सबने सबसे पहले प्रॉब्लम को रखे, प्रॉब्लम को क्या रखे कि जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट टेम्परेचर बढ़ रहा, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में हम दूसरी चीज रखे कि क्या पॉसिबल कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है, तो वो हमने इतना सॉर्ट आउट करके हमें मिला कि इतना ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिससे हमारा सेकेंडरी रिफॉर्मर का आउटलेट टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो मेनली ये जो है आप समझ गए, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस में तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इम्पैक्ट, कि अगर बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो भाई डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में जैसे इसके आउटलेट के बाद ये जाएगा वेस्टेड बॉयलर में, तो हो सकता है वेस्टेड बॉयलर का जो ट्यूब है तो उसका जो है एक कोई लिमिट जो है सर्टेन डिजाइन टेम्परेचर है उतना ही वो झेलेगा, अगर ज़्यादा आप दोगे टेम्परेचर तो ट्यूब क्या हो जाएगा ओवर हीट हो जाएगी, या जो है वेस्टेज बॉयलर से के बाद जो है जब यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो ये आगे बढ़ाएगा कहाँ, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर में, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर का एक जो है डिजाइन टेम्परेचर होगा उसी पे वो करेगा, लेकिन उसको ज़्यादा मिलेगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद इसका आउटलेट जब मिलेगा तो वो भी ज़्यादा मिलेगा एक तरह से, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ है तो वो हमेशा आगे जाके वो जो है डेविएशन क्रिएट करेंगे ही, तो वो जो है वेस्टेज बॉयलर को भी डिस्टर्ब किया, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर को भी डिस्टर्ब किया, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर को भी डिस्टर्ब किया, ऐसे आगे आगे पूरा का प्लांट जो है डिस्टर्ब करेगा, ये इम्पैक्ट ये डालेगा। अब इसके बाद हम रिमेडीज एक्शन पे आते हैं कि रिमेडीज एक्शन क्या हम लें, यानी कि ट्रबल शूटिंग एक तरह से हम अगर ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई एक तरह से समस्या ही समाधान का नियम है, जैसे जैसे कोई कहे कि आपको जो है हो सकता है कि कैंसर हो जाए, तो उसका समाधान क्या है,
पहले समस्या है कि आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो उसका पॉसिबल कॉज ये है कि भाई अगर आप गुटखा तंबाकू खाओगे तो कैंसर हो सकता है। अब उसका रिमेडिएशन क्या है कि भाई गुटखा तंबाकू छोड़ दो, कैंसर नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही समस्या ही समाधान है कि आपको लग रहा है कि भाई इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट एयर की प्रॉब्लम है, नहीं इंस्ट्रूमेंट एयर कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, जो हमारा TI है वो, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको अटेंड करा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर इसमें ये नहीं है तो हो सकता है इनलेट टेम्परेचर अधिक आ रहा है तो इनलेट टेम्परेचर को मेंटेन कर लो, नहीं होगा सेकेंडरी आउटलेट टेम्परेचर अधिक नहीं होगा, या कन्वर्जन जो है ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा उसे कंट्रोल कर लीजिए, प्रोसेस एयर का फ्लो कंट्रोल कर लीजिए, एनजी गैस का जो फ्लो कंट्रोल कर लीजिए, मोल रेशियो जो है मेंटेन रखिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्हाट इफ एनालिसिस। तो एक मैंने बता दिया, इससे पहले मैंने जो है पुअर कन्वर्जन का बताया था, उसमें जो है पार्ट 2 में, तो उसमें उसमें ये पुअर कन्वर्जन का भी देख ले सकते हो, टेम्परेचर का इसमें बढ़ा हुआ देख सकते हो आप, बाकी जो है आप अपने हिसाब से ऐसे ही करके निकाल सकते हो, व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंपोजिशन ऑफ गैस बिफोर सेकेंडरी फॉर्मर, ये भी उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि सेकेंडरी फॉर्मर में जैसे गैस इन हो रही है तो उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसमें आप देख सकते हो। उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ गैस आफ्टर सेकेंडरी फॉर्मर, ये भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी उसी में मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रेशर भी मिल जाएगा, ऑपरेटिंग डेल्टा पी, तो डेल्टा पी जो है 0.5 से 1 kg के बीच में होता है। प्रॉब्लम कम इन सेकेंडरी फॉर्मर, सेकेंडरी फॉर्मर में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है, कभी प्रेशर अधिक हो जाता है, कभी प्रेशर लो हो जाता है, कभी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कभी टेम्परेचर लो हो सकता है, कभी डेल्टा पी अधिक हो जाता है, कभी डेल्टा पी लो हो जाता है, और कभी कन्वर्जन पुअर हो जाता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा प्लांट स्टार्टअप, प्लांट शट डाउन, तो एक साथ लेके चलेंगे तो बता देंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस हजार्ड्स इन सेकेंडरी फॉर्मर, सेकेंडरी फॉर्मर में सबसे ज़्यादा हजार्ड तो आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ होता है, प्रेशर भी वही है। इसके अलावा जो है स्टीम एंड कार्बन रेशियो, स्टीम और कार्बन रेशियो जो सेकेंडरी फॉर्मर में है वो रेशियो है 0.525, सॉरी 0.525 है ना, जिसमें स्टीम का फ्लो हमारा, अगर दोनों का हम देखते हैं स्टीम कार्बन रेशियो, कार्बन रेशियो मतलब वही जो गैस हम यूज कर रहे हैं ड्राई गैस, तो स्टीम का जो फ्लो हम रखते हैं वो 98092, 98052 रखते हैं, ठीक है। और ड्राई गैस का जो फ्लो रखते हैं 1,86,700, ठीक है। अब जो है स्टीम और ड्राई गैस का जो रेशियो है, बस इसमें इसमें भाग दे दो तो ये निकल के आ जाएगी 0.525। तो ये है हमारा जो है एक तरह से आप कह सकते हो स्टीम एंड कार्बन रेशियो इतना होता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है जो आपको बताना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें मैंने सेकेंडरी जो फॉर्मर की डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, उसी से आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और इसमें और कोई कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप जो है बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसे बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी।